मैं हकीम मोहम्मद रिजवान आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफिस से होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए हर रोज़ कोई नया नुस्खा लेके आता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे नुस्खों से ज़रूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज हम नौजवानों की ज़िंदगी बदलने वाला, ज़िंदगी में इंकलाब बरपा करने वाला, ज़िंदगी में खुशहाली लाने वाला, उजड़े हुए घरों को जोड़ने वाला, मियां बीवी की लड़ाई को ख़त्म करने वाला, मियां बीवी में मोहब्बत पैदा करने वाला एक ऐसा नुस्खा हम दे रहे हैं इंशाल्लाह, जिसको अगर बेकार आदमी जो बिल्कुल नामर्द हो चुका है वो भी इस्तेमाल करे तो हो सकता है वो भी मुकम्मल मर्द बन जाए। ये माजून जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आप किसी भी वक्त इस्तेमाल करें, इसका असर ऐसा होता है बहुत ही ख़ास है। और इस माजून की बहुत सारी खूबियां हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसमें क्या लेना है इंशाल्लाह मैं ये भी बता दूंगा, इसके फ़वाद क्या हैं ये भी बता दूंगा। सबसे पहले तो आप फ़ायदे सुन लें, इसके फ़ायदे क्या हैं। ये कुव्वते बाह में बहुत बहुत ज़्यादा इजाफा करता है, मनी की मकदार बढ़ाकर यानी वित्तीय की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और उसको गलीज बनाता है। इस परम इससे बढ़ते हैं, नसें मजबूत होती हैं, पट्टे इसके इस्तेमाल करने से भर जाते हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसके इस्तेमाल करने से जोश बहुत ज़्यादा आता है, तरफ़ैन के अंदर बहुत ज़्यादा इससे उल्फतें बढ़ती हैं, यानी आप अपनी लाइफ पार्टनर को बहुत अच्छे से खुश कर सकते हैं। टाइमिंग बढ़ाने के लिए ये बहुत ख़ास मालूम है। जो लोग कहते हैं ना कि हकीम साहब कई कई दिन हो जाते हैं बीबी के पास जाए उन्हें भी, उनको ये मालूम आप खिलाएं, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से वो ये चाहेंगे कि बीवी कहीं को ना जाए। ठीक है, ये ऐसा ख़ास नुस्खा मैंने आपको देना था जो मैंने आपको अभी नहीं दिया है। इस नुस्खे को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। यूँ लगा लीजिए कि नामर्द को मुकम्मल मर्द बनाने वाला इस्पेशली माजून हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, जिस्म की तमाम तर कमज़ोरियाँ, मर्दाना कमज़ोरी हो या जिस्मानी कमज़ोरी हो, उन सब को ख़त्म करके ये इंसान को बिल्कुल फिट कर देता है। तो इसमें नुस्खा जो है आप नोट कर लें, इसमें क्या लेना है आपको। सबसे पहले इसमें अजवाइन खुरासानी लेनी है। अजवाइन खुरासानी 20 ग्राम उष्णा यानी छड़ीला 20 ग्राम, अगर 20 ग्राम इंदर जोशीरी 30 ग्राम, बाल छड़ 20 ग्राम, तज कलमी 20 ग्राम, सालब मिस्री 40 ग्राम, जोज बोआ यानी जायफल 30 ग्राम, हब्बुन नेल यानी काला दाना 20 ग्राम, दारचीनी 20 ग्राम, माही रूबिया 25 ग्राम, मग्ज सरकंजशक बिरिया 15 ग्राम, तुख्म खशखाश 50 ग्राम, कंद 1 किलो, अंबर 1 ग्राम 100 मिलीग्राम। ठीक है, मस्तगी रूमी यह आपको 20 ग्राम लेना है, घी 5 ग्राम, ज़ाफ़रान 4 ग्राम 400 मिलीग्राम, अरके गाव ज़बान 50 मिलीलीटर,
तरकीब तैयारी। पोस्ट खशखाश को रात के वक्त 500 मिलीलीटर पानी में भिगो कर रखें। सुबह को जोश दें, जब चौथाई पानी रह जाए आग से उतार लें और ठंडा होने पर मल कर छान लें। अब इसमें कंद मिलाकर आग पर पकाएं, यानी आप जो है आग पर पकाएं, जो मैल ऊपर आए उसको साफ कर लें और अंबर को चाकू से रेजा रेजा करके कबाब में डाल दें। जब कबाब दुरुस्त हो जाए तो आग से जो है आप उतार लीजिए और बाकी अदविया को आप सफूक बनाकर जो है इसमें डाल लें। ठीक है दोस्तों, मस्तकी रूमी है उसको जो है घी में आपको पिघलाएं, ठीक है, और घी में पिघलाने के बाद ये भी इसी में शामिल कर दें और अच्छे से चलाएं। ठीक है, बचा आपका ज़ाफ़रान अरके गाँव ज़बान में इसको अच्छे से खरल करें और उसके बाद इसको भी डाल दें, ठीक है, और अच्छे से चलाएं। और बिल्कुल जब आपका माजून बन के तैयार हो जाए तो आप इसको रख दें। ठंडा होने पर आप डब्बों में इसको महफूज करके रखें, ठीक है दोस्तों, डब्बों में महफूज करके रखें, आपका माजून बिल्कुल तैयार है। तरकीब इस्तेमाल और इसमें परहेज आप सुन लें क्या क्या लेना होगा आपको। ये माजून सुबह 5 ग्राम और शाम को 5 ग्राम गाय के दूध व मजबूरी भैंस के दूध के साथ आप ले सकते हैं, ठीक है। ये कुव्वत बाह को बढ़ाता है, टाइमिंग को ज़्यादा करता है, तनाव अच्छे से पैदा करता है, जोश पैदा करता है और जो है वीर्य को गाढ़ा करता है, वीर्य को गलीज बनाता है, ठीक है। कुव्वत मर्दानगी पैदा करके नामर्दी को दूर करके इंसान को मुकम्मल मर्द बनाता है, जिस्म की सारी कमज़ोरियाँ इससे दूर हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। इसके दौरान आप परहेज करें खटाई और तली भुनी चीज़ों का, आप बिल्कुल परहेज करें, यानी आपको जो है तली भुनी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी हैं और खट्टी चीज़ से बिल्कुल परहेज करें, ठीक है। ये इसका परहेज़ है, पराठा पकौड़ी समोसे से आप परहेज करें। आप ये माजून इस्तेमाल कर सकते हैं बना के, अगर कोई साहब नहीं बनाना चाहते तो आप उनसे भी मंगा सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल फ़ायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। स्क्रीन पे आप हमारा नंबर देख रहे हैं, आप हमसे मुलाकात करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।